मैं जानती थी कुछ ऐसा ही होगा। इन लोगों के लिए मेरे वजूद पे कोई घटिया सा इल्जाम लगा देना कोई बड़ी बात नहीं है। शाहना बेगम ने तो मुझे अपनी लिखी हुई कहानी का एक किरदार बनाया हुआ है। जब वो चाहेंगी, जैसे चाहेंगी वैसे ही होगा। अगर वो चाहेंगी कि रात हो तो चढ़े हुए दिन में भी मेरे इर्द गिर्द अंधेरा छा जाएगा। अब समझ आई आपको मेरे गुस्से की? मैं कुछ नहीं कर रही डॉक्टर, हो वही रहा है जो वो लोग चाहते हैं। पता नहीं कहां से आई है इन लोगों के पास ये जादू की छड़ी। रिलैक्स, आप पानी पीजिए। मेरी खैर है, आप पानी पिए, आप रिलैक्स करें। एंड आई एम सॉरी, खामखाब मेरे किस्से में आपका नाम आ गया। एक्चुअली यू नो व्हाट, आपका शुक्रिया। बदनाम हो गया यार, मुझे तो लगा था कि जिंदगी ऐसी गुजर जाएगी बगैर किसी कहानी के, बगैर बदनामी के। और वो एक्चुअली यू नो कहते हैं कि बदनाम नहीं होंगे तो क्या नाम नहीं होगा, तो यही सही। डॉक्टर साहब, आप मेरे नाना जान को ठीक कर दीजिए बस। अगर वो मेरे साथ है ना तो मैं पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। खुदा का वास्ता यार, यहाँ लोग आपको और मेरा अफेयर बनाने पर तुले हुए हैं और आपने बीच में नाना जी, सीरियसली। सर पैशन रेडी है ओटी में? जी मैं आ रहा हूँ। ओके। अपने नाना की फिक्र तो आप कीजिए मत, He'll be all right. मुझे अब जाना होगा क्योंकि जिंदगी के मसाफात में दिलों के इलाज का वक्त हुआ जाता है। ख्याल रखिए। मैडम, ये स्कूल कंस्ट्रक्शन बजट की फाइल है, काइंडली इसको अप्रूव कीजिए। ये तो देख लूं जो आपने दिया मुझे पहले। या आप ये डैम की बात कर रहे हैं? लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं, डीसी और वहाँ के रहने वाले जो ना, उनके इन्वॉल्वमेंट के बगैर हम ये सब काम नहीं कर सकते। बहुत ज़रूरी होता है उनको मिला जुला। मॉम, आई एम सिक। खैर मैं काम करती हूँ, मैं ये आज रात सारा पढ़ के ना, तो कल असेंबली के बाद हम ये मीटिंग रिज्यूम रखते और मैं डिस्कस कर लूँगी, ठीक है ना? थैंक यू सो मच, अब जाइए। मोइज़, घर जाने से पहले मुझसे मिल के जाइएगा, मैंने आपसे एक ज़रूरी बात करनी है।